सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दूर दूर से आए कवियों का सम्मान किया गया। कवि सम्मेलन में पहुंची राष्ट्रीय कवित्री अनामिका अंबर को शिवपाल ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से टिकट देने की घोषणा की। अनामिका ने अपने गृह जनपद मेरठ से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। इस मौके पर शिवपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के व्यवहार का जो दर्द मिला उसे कविता के रूप में बयान किया। आज भी संग उनके खड़ा, अब और क्या करूं मैं, वो मंजर याद है, कुचला में गया, रौंदा में गया, क्या अपराध था, यही अपराध था कि मैं उनके साथ था। और क्या क्या सहूं मैं, क्या चुप रहूं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, यहां पर शिवपाल सिंह यादव ने अनामिका अंबर को टिकट देने की बात कही, जरा वहां क्या हुआ ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी बता दें कि आज जैसे कवि चरण सिंह का जयंती थी, उस समारोह में हर साल की तरह इस साल भी कवि सम्मेलन होता था, जो कि ऑडिटोरियम में जो चौधरी चरण सिंह का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे कवियों ने अपनी प्रगति गाई। उसके बाद वहाँ सम्मान करने के बाद फिर जब शिवपाल सिंह यादव ने अपने कुछ दर्द बयां किया कविता द्वारा, उसके बाद में उन्होंने फिर वहाँ की एक मेरठ की वही कवित्री हैं उनके लिए प्रत्याशी की घोषणा की। जिस तरीके से आज इस बार पहली बार लग रहा है कि सावली की जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है, तो अब लग रहा है उन्होंने पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है और लगता है कि इस तरफ पूरी तरीके से बीजेपी को हराने के लिए कल एक बयान दिया था कि हाँ उसे सपा और बसपा से भी गठबंधन कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से कमर कस ली है। जी चलिए, बिल्कुल शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहा एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। आज भी संग उनके खड़ा, अब और क्या करूं मैं, वो मंजर याद है, कुचला में गया, रौंदा में गया, क्या अपराध था, यही अपराध था कि मैं उनके साथ था। और क्या क्या सहूं मैं, क्या चुप रहूं। और इस वक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से प्रवक्ता दीपक मिश्रा जुड़े हैं। दीपक मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत। शिवपाल सिंह यादव अब पूरे चुनाव के मूड में, यानी आपकी पार्टी पूरे चुनाव के मूड में है, समाजवादी पार्टी से उन्हें क्या मिला उन्होंने कवि के अंदाज में ये बताया, और साथ ही साथ एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी की लगे हाथ, यानी पार्टी आपकी तैयार है पूरी तरह से 2019 के लिए, अब प्रत्याशी भी चुनने लगी है। देखिए, हमारी पार्टी पूर्णतया तैयार है। 97% से ज्यादा इस कम समय में हमारे जिलाध्यक्ष घोषित हो गए, मंडल प्रभारी घोषित हो गए, और बहुत ही अल्पावधि में हमने एक बहुत बड़ी रैली करके यह जनता में अपनी क्षमता और जनता द्वारा मिल रहे अपने स्थिति को प्रदर्शित कर दिया है। तो हम तो पूर्णतया तैयार हैं और सभी लोकसभाओं में हमारे प्रत्याशी लगभग तय हैं। और दीपक मिश्रा जी, जो शेरो शायरी में बात कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव जी, उन्होंने कहा है किसको रौंदा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से। देखिए, वो कविता का मंच था, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ी वैचारिक गोष्ठी हुई, वैचारिक गोष्ठी के बाद फिर काव्य गोष्ठी हुई, और जब का माहौल वैचारिक भी था और काव्यमय भी था, ऐसे में स्वभावतः शिवपाल जी के मुंह से सरस्वती का वास होता है और वो अपनी सारी वेदना को और सारे संघर्ष को वो कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। क्या यह सच नहीं है कि नेताजी के साथ लक्ष्मण की तरह खड़े होने की कीमत उन्हें उस पार्टी से निष्कासन के दंश के रूप में मिला जिस पार्टी को बनाने में उन्होंने पूरी जवानी दी, और उन्हें ही क्यों, बिल्कुल नेताजी को भी अब तक नहीं किया गया था। बिल्कुल दीपक जी, हमारे साथ आपकी पुरानी पार्टी से अजीज खान साहब भी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं। अजीज खान जी, आपका बहुत स्वागत है। आप लोगों ने बहुत दर्द दिया है और ये दर्द दिख भी रहा है जनता के बीच में।
अजीज खान साहब, वो तो लक्ष्मण की तरह लगे थे, दीपक जी कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, ऐसा है कि जब परिवार में आदमी जुड़ता है तो परिवार में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करता है, और ये परिस्थितियां रही और परिवार में वो बड़े हैं और मिलकर के काम किया, और मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सम्मान रहा था काम करने का, अच्छा मौका जी। तो वो मौका किसने गवाया है जीज खान साहब? नहीं, किसी ने नहीं मौका गवाया है, परिस्थितियां हैं, हालात ऐसे हैं, और मुझे लग रहा आने वाले वक्त में दुरुस्त हो जाएगा। दीपक जी, किसने रौदा किसने कुचला, ये सिर्फ हम कविता मान लें, बस आगे निकल जाएं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए कविता भी एक तरीके से जीवन दर्शन को ही तो प्रतिबिंबित करती है, पर उन घटनाओं को ही रेखांकित करती है जिन घटनाओं से कविता मन में आती है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार लाने में अग्रणी भूमिका नहीं निभाई थी? बतौर प्रदेश अध्यक्ष रामशरण दास जी के बाद उन्होंने संघर्ष नहीं किया था? हम जैसे लोग उनके नेतृत्व में लखनऊ के से लेकर उत्तर प्रदेश के जर्रे जर्रे में अपने लहू से इसको जाजिल्यमान नहीं किया था? और सब चीजों पर परिणाम क्या हुआ? जब सरकार आई तो उनके समेत जितने लोगों ने भी चमन की बहार के लिए लहू बहाया था, सबको चुन चुन के किनारे कर दिया गया, जिसमें छोटे मोटे नाम नहीं है। आप ये बताइए, बर्खास्त होने वालों की सूची में आप देखिए, उदासीन होने वाला व्यक्ति कौन? भगवती जिसने समाजवाद को उम्र दिया। निष्कासित व्यक्ति कौन? दीपक मिश्रा, जिसको समाजवाद में जीवन दर्शन देने के लिए मंडेला अवार्ड से सम्मानित अफ्रीका तक में किया जाता है। तो वही आज दर्द, वो दर्द सिर्फ शिवपाल जी का अपना नहीं था, वह दर्द पूरे के पूरे समाजवादी वैचारिकी और आंदोलन का दर्द था। अजीज खान साहब, इसका जवाब देंगे आप? देखिए राहुल जी, मैं इसमें जवाब क्या दूं, ये चुकी पारिवारिक मसला है। चलिए, यानी पारिवारिक मसला, इसलिए हम भी छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, 24 मंत्री कल जयपुर में शपथ लेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ पहले ही